हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल द कॉम्पिटिटिव पे आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, मतलब आपका कोई काम पास्ट में भूतकाल में पूरा हो चुका हो तो उस जो काम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमारा यही सीन था कि हमने कोई काम पूरा किया है वर्तमान काल में, हम लोगों ने उस काम को अभी अभी पूरा किया है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखा था? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके है, आए या फिर गया, या है, ये है, ये आए, तो वो सारे वाक्य थे हमारे किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, उड़ चुके थे, आए, तो वो सारे सेंटेंसेस किसके होंगे? पास्ट परफेक्ट के। अब हमें पता चल गया कि हिंदी में क्या पहचान है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इंग्लिश में इनको बनाना सीखना है। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं कल खाना खा चुका था, ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? सेम आपको जो आपने प्रेजेंट टेंस में सीखा था आपको सेम वो ही वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, बट सब्जेक्ट के बाद में हम लोग हैज हैव नहीं यूज करेंगे। हैज और हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड। सो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे हैड। हैड के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम लोग हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है सिंपली। देन आपको क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं खाना खा चुका था तो आप बोलेंगे आई हैड ईटन फूड। इसमें आपको कुछ भी सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं रखना है। सिंपली आपके पास जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो आपको उसमें क्या करना है? हैड जोड़ देना। जैसे आई हैड ईटन फूड, शी हैड ईटन फूड, वह बाजार जा चुकी थी, शी हैड गोन टू मार्केट, यू नो, शी हैज डन दैट वर्क, शी हैड कम्प्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था या पूरा कर चुकी थी। सो आप समझ गए होंगे कि ऐसे सारे वाक्य जो हम हमारे बोलने में यूज करते हैं जिनके लास्ट में चुका था आए, मतलब कोई काम आपने पास्ट में ही खत्म कर दिया हो, तो उन सारे वाक्यों को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं खाना खा चुका था, तो आप इसको बोलेंगे मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आपको सिंपली क्या करना है? हैड के बाद में नॉट लगा देना है। जैसे आई हैड नॉट ईटन फूड, शी हैड नॉट ईटन फूड, शी हैड नॉट गोन टू मार्केट, शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। इस तरह से आपको जितने भी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं उनमें नॉट लगा देना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव आप कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि क्या तुमने खाना खा लिया था या फिर क्या मैंने खाना खा लिया था, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको आप आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, एंड देन हमारा सेंटेंस पूरा वैसा के वैसा। तो इसको मैं बोलूंगी हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था, हैड यू गोन टू मार्केट, हैड शी ईटन फूड। तो इस तरह से हम सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है? कम से कम 5 सेंटेंसेस ऐसे आपको लिखने हैं जिसमें आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया हो। और यहाँ पे आपको मैं भी कुछ सेंटेंसेस देने जा रही हूँ जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो आई होप आपको ये टेंस बहुत ज्यादा इजी वे में समझ आ चुका हो, बिकॉज इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। जो हमने हमारे पहले वाले टेंसेज में पढ़ा था सेम वही है, बट पहले हमने प्रेजेंट टेंस का पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे हैज हैव का हमने हैड कर दिया, बाकी जो पूरा टेंस का जो रूल है सेम टू सेम वही है जो हमने पहले टेंस में पढ़ा था। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं शाम तक खाना खा चुका था, तो आप इसको बोलेंगे आई हैड ईटन फूड बाय इवनिंग। तो इस तरह से मोस्टली हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में बाय ही यूज करते हैं कि भाई उस टाइम तक मैं ये काम कर चुका था। अब आपको मैं यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस ये है कि मैं कल शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, कल पापा शाम तक घर पहुंच चुके थे, कल माँ बाजार जा चुकी थी, कल मैं स्कूल जा चुका था। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो कोई भी टेंस में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।